गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नया वीडियो में। तो आज बुद्ध जयंती, हैप्पी बर्थडे बुद्ध जयंती सभी को। मेरे जितने भी यूट्यूबर में सब्सक्राइबर है, फैमिली है, तो मार्केट जाएंगे कुछ सामान लेने के लिए। और यहाँ पे हमने छाता झोला भी ले लिया है, और कुछ ऐसे वहाँ से आके फिर ऐसे कुछ बिस्कुट वगैरह बनाएंगे, खीर वगैरह। नहीं, वो तो मम्मी और बहन बना के रख देगी, तो शायद देखती हूँ मैं थोड़ा हेल्प कर पाती हूँ या नहीं। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद फिर जाएंगे मंदिर में कुछ पूजा वगैरह करने। तो यहाँ पे बहन सुबह सुबह कोना सिल रही है, क्योंकि आज हम लोग का बुद्ध जयंती है। तो आज खीर बनेगा और बाकी सब कुछ आइटम भी बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे खीर बन रहा है। अभी तक चावल वगैरह डाला नहीं, बस गर्म पानी डाल लिया है मम्मी ने, और थोड़ा देर के बाद डालेगी सब कुछ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गया है मार्केट में और बाजार में, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सब्जियाँ मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सब्जी, लौकी है और ये तारा, और यहाँ पे बैट, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर वहाँ पे बहुत सारा प्रकार की सब्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे है मजंगा पत्ता, तो देखते हैं इससे कि लेके जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे भी है, और ये तो बिम्बू सूत है, और ये नमकीन की साफ। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। तो दोस्तों हम यहाँ से ले लेते हैं बैट, यहाँ से पे 40 रुपया बहुत सारा मिल गया है। और यहाँ पे फ्री में दे रहा है साग, और ये दे रहा है, तो साग लेते हैं। दोस्तों फाइनली घर पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा बिक गए हम, ठंडा भी लग रहा है। बेतुल सामान लेके जा रहा है वहाँ पे, उसका भी सामान वगैरह है, तो गाड़ी के ऊपर वो रख देगा, तो उसका सामान वगैरह वो लेके जाएगा। तो यहाँ पे बहन खीर बना रही है, तो यहाँ पे है सामान वगैरह, सब्जी वगैरह, तो इसमें बहुत सारा सब्जी लिया हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों पिचोली ने लेके आया खीर, कौन देखे भाई, ये ब्लैक वाला खीर है, लेकिन टेस्टी नजर आ रहा है। सुबह सुबह पहुँच गई है पिचोली खीर देने। तो यहाँ पे हम लोग बाजार लगा हुआ है लोकल सब्जी का और जंगली का भी। तो दोस्तों आज खाएंगे मिक्सा सब्जी, यानी कि पादंतन बनेगा हम लोग का पादंतन, यानी कि मिक्सा सब्जी। तो जयंती है, तो इसीलिए हम लोग ये सब बना रहे हैं, खीर वगैरह। तो यहाँ पे बहन आलू छील रही है, और उधर बिहारा जो काफी ने भेजा था, लेकिन हम भी खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, ये काम खत्म होने के बाद खाएंगे हम। तो गैस हम इसको हम छोटा सा देर खाएगा। इसको पानी में भिगो के रखना पड़ता है, क्योंकि इसका कलर निकल जाता है, एकदम काला काला हो जाएगा, और मेरा नाखून भी काला काला हो चुका है। तो फाइनली ये सिर के भी खत्म हो चुका है, कट के भी खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे काला निकल रहा है। तो अब हम मुझे ये तारा सब्जी काटना है। तो यहाँ पे काट के हो चुका है तैयार, बस बैगन वगैरह काटना है, और उसमें मिर्च का पत्ता दिया है, और बहन ये सब काटेगी। यहाँ पे पूरा बदल लगा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है मिक्सर सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मिक्सर सब्जी है, तो इसमें ड्राई पीस है, और बाकी सब देना है अभी, जो हल्दी वगैरह नमक है, मिर्ची है, वो सब कुछ देना है। तो यहाँ पे बहन ने लोकल तेल डाल दिया है। तो यहाँ पे प्याज डाल रही है रुक्ता मैडम जी। तो इसमें मसाला वगैरह, हल्दी, नमक सब कुछ डाल दिया है मिक्सर सब्जी में। तो यहाँ पे मसाला डाल दिया है, और डाल रही है मिर्ची। तो
इसको यहाँ पे सब कुछ डालेगी। अभी मिक्सर सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है गाइस। तो यहाँ पे डालेगी न्यूज करेला, तो गाइस देखिए इसको बहुत टेस्टी नजर आ रहा है, लेकिन होगा भी टेस्टी क्योंकि बहन बना रही है। जब भी बहन खाना बनाते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, और बहन जिसका भी यहाँ पे जो भी आता है खा के जाता है, बहन की तारीफ ही होती है। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी नजर आ रहा है। तो गाइस आप लोग को, तो दोस्तों ये मिक्सर सब्जी बन के तैयार हो चुका है, तो इसको बाहर निकालेंगे। तो गाइस हम लोग को मंदिर में जाना है, तो अभी जाते हैं हम, थोड़ा नहा धो के तैयार हो जाते हैं मंदिर में जाने के लिए, और साथ में मम्मी पापा बहन भी साथ में जाएगी। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग मतलब रेडी हो चुका है, बहन भी रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे साची और नुनू भी आ रहा है, और यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुका है। बाद उसको वो ट्रेडिशनल वाला दुपट्टा लेना है, तो यहाँ पे बेतुल भी आ रहा है। तो गाइस कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और वहाँ पे बहन को भी कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना कि दोनों बहनों से में से कौन से अच्छा लग रहा है और सुंदर ज्यादा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे नंदू भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। बड़े मम्मी भी आ चुकी है, पे पापा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के रेडी हो चुका है, लेकिन पापा बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि मेरा पापा हैंडसम लग रहा है या नहीं। गाइस हम लोग सभी लग जा रहे हैं मंदिर पे, तो वहाँ पे पूजा वगैरह होगा, तो उसके बाद आएंगे फिर घर में आके बिस्कुट वगैरह ये दूसरा का घर पे फिर घूमने जाएंगे। तो हम लोग फाइनली पहुँच गया है मंदिर पे, तो यहाँ पे बहुत सारा औरत आदमी जमा हो चुका है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है, बांते लोग जैसे कुछ वंदना वगैरह कर रहा है, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा पूजा वगैरह। यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे आदमी लोग औरत लोग अपना अपना घर जा रहे हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आ चुका है त्रितिजन बिस्कुट, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। था दोस्तों अपना घर पहुँच गया है, यहाँ पे बैतुल और अस्मिता पहले से ही इन लोग पहुंच गया है, बोल रहा है कि खाने के लिए आ गया है, निकाल लेंगे इतना की जल्दी है। मोबाइल ये देख, पैंट पूरा भीगा हुआ, कपड़ा पूरा भीगा हुआ, ये तुम्हारा ही गलती है, बारिश में नहीं आना चाहिए था। थोड़ा सा आराम किया है और घूमने जा रहा है, पीछे पीछे में बितुल भी आ रहा है। तो यहाँ पे अस्मिता और बाय, हाँ सभी लोग जा रहे हैं, बहन भी तो वहाँ पे है सभी लोग। तो यहाँ पे आ चुका है खाने का शीश, खाओ। खत्म। तो हम भी शुरू करते हैं सब लोग। तो यहाँ पे बैठे हैं ये दोनों, और यहाँ पे ये रो रही है। तो यहाँ पे है क्योंकि मैंने बोला कि इसको खाने के लिए नहीं मिल रहा, नाराज हो गया। मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, ले लो ले लो लो। तो दोस्तों ये पहले हम लोग का कुत्ता था, इसका नाम बिच्ची ही रख गया था, ये लेके आया है भगा के, ये भगा के लेके आया, पहली बार लेके आया ये भी भगा के इसको बिच्चिंगी को, तो उसका वो बेटा है। तो ये है ना, पत्नी के बिना ये रह नहीं सकता है, इसलिए इससे पहले और दो तीन तो लेके आया। हाँ, नानी का भी कुत्ता लेके आया था, वो मर गया, फिर इसको लेके आया हम लोग का कुत्ता को, मुझे भी पहचानता है अभी भी बिच्ची। ये एक साल हो गया है यहाँ पे आया हुआ, ये बगा के लेकर आया, ये चिरकुट कंदरी। तो दोस्तों हम लोग घर में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे सभी लोग जा रहा, और पीछे की तरफ भी है, तो बहुत सारा थक गया गाइस,
तो हम दोस्तों यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।